मैं वैसे कहता हूँ कि मछली समंदर की रानी है और आज जो है ना मुझे इस रानी से प्यार हो गया है, इतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज हम आपको ट्राई कराएंगे फिश स्ट्यू। फिश स्ट्यू? स्ट्यू नहीं, फिश स्ट्यू। स्ट्यू जी, अच्छा जरूर खाएंगे। सर फिश स्ट्यू तो पहले आपने एक दफा बीफ स्ट्यू खिलाया था, बहुत ही मज़ेदार था। लेकिन फिश स्ट्यू वैसे तो हम जो है ना फिश तो मच्छी का सालन वगैरह तो हम बना के खाते हैं, लेकिन ये स्ट्यू पहली बार सुन रहा हूँ। सर ये फिश स्ट्यू ना बनाया जाता है और इस डिश को क्रोशिया में बुरदेत कहा जाता है, बुरदेत नाम से जाना जाता है, और नाइजेरिया में ड्राइड फिश स्ट्यू के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब जब इतने ममालिक में मुख्तलिफ नामों से खाया जाता है तो हम भी खाए लेंगे आज। सर ये है फिश स्टू। वैसे इस फिश स्टू के साथ ना चावल भी खाए जाते हैं और लोग चम्मच के साथ भी खाते हैं, स्टू को एंजॉय करते हैं। लेकिन मैंने आपको नान पेश किया क्योंकि आप नान बड़े शौक से खाते हैं। भाई नान तो हमारी चॉइस है, यानी आज हमारी अपनी पसंद की डिश हो गई। नान हम शौक से खाते हैं। देखें कैसा बना है स्टू। भाई देखने में तो बहुत ही मस्त नजर आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त बना है। देख रहे हैं, हम तो खाते हैं अक्सर, लेकिन ग्रेवी वाला, शोरबे वाला, हम लोग शोरबे वाला खाते हैं। ये ग्रेवी वाला है आज। ये है चटनी, किस चीज की है? टमाटर की चटनी है, बहुत मजे की है। और ये तो बहुत ही टेस्टी है भाई, मजेदार है ये तो। वाह, बहुत मजेदार है, मसाला वगैरह सब माफक है। अरे देख रहे मच्छी कितनी जबरदस्त है। बहुत ही जबरदस्त भी, एक काटा नहीं है, आंखें बंद करके खा लो और इतनी टेस्टी। भाई ये तो मछली समंदर की है, दरिया की तरफ दो और कांटे ऐसे होता है, इसमें कांटे ही नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छी बन है। वैसे ये चावल के साथ भी बहुत ही मजा करेगी, लेकिन नान के साथ तो ये समझो कि मेरी फेवरेट डिश हो गई है। और मेरे ख्याल में तो ये सिखाओ मुझे डिश, ताकि मैं ये डिश जो है अपने घर में बनाऊँ। पेट्रियम के हमारे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि उन ममालिक में जाऊं और उनकी जो ये डिशें हैं ये, यानी कि वहाँ जाके खाऊं, क्योंकि हर मुल्क की अलग अलग अपनी सकाफत होती है। तो ये स्टू जो है ना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज की डिश तो हमें पसंद आएगी, याद भी रहेगी ये डिश। मैं वैसे कहता हूँ कि मछली समंदर की रानी है और आज जो है ना मुझे इस रानी से प्यार हो गया है, इतनी टेस्टी है ये। हमारे घर में जब बाहर से मेहमान आते हैं ना तो हम लोग ये मछली पकाते हैं, मुर्गी पकाते हैं, चिकन गोश्त पकाते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना पका के उनको खिलाते हैं। अगर ये स्टू खाए ना तो ये तो और मजा है, ये उनको थोड़ा इसका तजर्बा है ना, हम पका के उनको खिलाओ। इसकी रेसिपी सर मैं आपको बताऊँगा और इसका नाम स्टू है, स्टूल नहीं है, स्टू। अच्छा स्टू जी, स्टू बता रहे हैं, चलो वही बताएंगे, लेकिन मेहमानों का बेहतर अच्छा खिदमत भी हो जाएगा, अच्छा खाना भी। और ये मच्छी मुझे लगता है कि तेल में तली गई है, उसके बाद ये बनाया गया, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। मैं तो मछली का शौकीन हूँ, ज़्यादा खाता हूँ मछली, और आज तो ये डिश खाई तो और मज़ा आ गया। ऐसी डिशे हुए तो और हम खाए, और कोई डिश ऐसी हुए तो ये अब हमारे नाज़रीन का काम है कि हमें और बताएं, यानी कि ऐसी डिशें और बताएं ताकि हम जो है ना ऐसी मज़ेदार डिशें खाएं। तो मज़ा आया आज आपको ये फिश स्टू खाकर? भाई बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत। सर पसंद आई आपको ये फिश स्टू? आई लव दिस स्टू, वेरी यमी। आपको पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई ये मछली, खाया मुझे बहुत मज़ा आया। इंग्लिश तो मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन मछली बोलता होंगे बहुत अच्छी। आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल चैनल को जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।